एपिसोड की शुरुआत में लेडी चियो वहाँ पे आती हैं। हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे, प्लीज अंदर आइए। फिर वो बूढ़े अंकल कहते हैं ये लड़का काफी स्ट्रांग लग रहा है, तो बाकी कहते हैं हाँ ये कांकुरो है, गारा का बड़ा भाई। फिर लेडी चियो कहती है मुझे लगता है तुम लोगों ने इसका ब्लड एग्जामिनेशन कर लिया होगा। जी बिल्कुल, ये रही रिपोर्ट। फिर लेडी चियो कहती है कि मैंने इस तरीके का पॉइजन पहले कभी नहीं देखा, तुम लोगों ने कोई एंटी वेनम का यूज करा? हाँ, हम लोग के पास जितने भी थे हमने सब यूज करे, लेकिन कोई भी इफेक्ट नहीं करा। जहाँ तक मैं अपने पोते को जानती हूँ वो किसी को भी नहीं छोड़ता है, उसे लोगों को तड़पा करके मारने की आदत है, लेकिन मैं अपना पूरा ट्राई करूंगी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सासोरी और दीदारा जा रहे होते हैं। फिर सासोरी कहता है कि जल्दी करो, मुझे लोगों को वेट कराना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर दीदारा कहता है अच्छा अच्छा, वैसे किसने ज्यादा टाइम लगाया था? तो सासोरी कहता है मैं अगर तुम्हारी जगह पे होता तो मैं इतना स्टाइल नहीं मारता। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लेडी चियो एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रही हैं। फिर वो उसे जमीन पे गिराती हैं और बहुत तेज से आग निकलने लगती है, और लेडी चियो कहती है कि ये वाला भी काम नहीं करा। फिर लेडी चियो कहती है क्या तुम लोग को और कोई मेथड पता है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं? तो वो लोग कहते हैं कि लीफ विलेज हम लोग के लिए एक टीम भेज रहा है, अभी तो सिर्फ हम लोग उन लोग का ही वेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब वीडियो पे वापस आते हैं। फिर लेडी चियो कहती हैं कि उन्हें स्ट्रेंजर्स के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें किसी और पे ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। फिर वो बूढ़े अंकल कहते हैं कि कांकुरो ने बहुत बड़ी गलती करी जो उसने अपने कूल को यूज करा और रेकलेस बिहेवियर दिखा करके अटैक करा। एक अच्छे निंजा को हमेशा अपने काम से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। फिर लेडी चियो कहती हैं कि हमें दूसरों पे ज्यादा रिलाई करने से अच्छा अपने विलेज के ऊपर काम करना चाहिए ताकि हमारा विलेज और ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर लेडी चियो कहती है क्या होगा अगर वो लोग किसी यूजलेस आदमी को भेज दें जिसको इस बारे में कुछ पता ही ना हो? तो फिर बाकी कहता है कि मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेंगे। फिर लेडी चियो कहती है कि ये दुनिया ऐसी ही है बेकार। अगले सीन में हम लोग टीम काकाशी के पास आ जाते हैं, जो लोग अपने रेस्ट से उठते हैं और काकाशी सेंसे कहते हैं कि अब टाइम खत्म हो गया। साकुरा पूछती है काकाशी सेंसे नारुतो कहाँ है? वहाँ देखो अभी सैंड विलेज पहुँचने में एक और दिन है, हमें जल्दी से सब कुछ करना पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कांकुरो की कंडीशन और ज्यादा क्रिटिकल हो रही है। फिर लेडी चियो कहती है कि वैसे तो मुझे डरना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कांकुरो के पास अब एक ही दिन बचा है। फिर बूढ़े अंकल कहते हैं वो काफी लकी होगा अगर वो कल तक सरवाइव कर पाए। फिर लेडी चियो कहती है एक व्यक्ति है जो मेरे से ज्यादा जानता है एंटीडोट्स के बारे में, वो कोनोहा में है, वो सुनाडे की बात कर रही है। तो लेडी चियो कहती है कि अगर हम लोग अभी एलाइज हैं तो हम लोग लेडी सुनाडे को कह सकते हैं कि हमारी मदद करने आ जाए वो अपनी एक्सपर्टीज से। फिर बाकी कहता है कि लेडी सुनाडे के पास अपना खुद का विलेज भी है संभालने के लिए, वो सब कुछ छोड़ करके ऐसे ही नहीं आ सकती हैं, और वैसे भी अगर वो आती भी हैं तो उससे क्या फायदा होगा, लीफ विलेज से यहाँ आने में 3 दिन लग जाएगा। अगले सीन में हम लोग होकागे ऑफिस आ जाते हैं जहाँ पे लेडी सुनाडे छींक रही होती हैं और उनकी असिस्टेंट कहती है कि विलेज में अभी फ्लू चल रहा है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए लेडी सुनाडे। और जब लेडी सुनाडे अपना कप पकड़ने जा रही होती है तो वो कप टूट जाता है और वो कहती है ये तो एक बुरी चीज का इशारा है। फिर लेडी सुनाडे शिजुने को वापस बुलाती हैं। अगले सीन में हम लोग फिर से टीम 7 के पास आ जाते हैं जो कि सैंड विलेज पहुंचने वाले हैं, और टेमारी कहती है कि वो उन लोगों को अब यहाँ से गाइड करेगी। अगले सीन में सासोरी और दीदारा एक जगह पे पहुंचते हैं और फिर वो लोग पानी पे उतर जाते हैं। फिर दीदारा अपने जुत्सु का यूज करता है और पानी पर से पत्थर हटने लगता है और वो लोग एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक आदमी कह रहा होता है कि वो लोग लेट चल रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी उस दूसरे को पकड़ना पड़ेगा। तो दीदारा कहता है कि वो हम लोगों ने जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। फिर वो व्यक्ति जो वहाँ पे केव में था वो एक जुत्सु कास्ट करता है और एक बहुत बड़ी सी चीज जमीन से निकल करके आती है, गेदो स्टैचू। और फिर वो व्यक्ति फिर से एक जुत्सु कास्ट करता है और सारे अकात्सुकी के मेंबर्स एक तरीके की वर्चुअल मीटिंग में आ जाते हैं। अगले सीन में हम लोग सैंड विलेज के अंदर होते हैं जहाँ पे एक शिनोबी कह रहा होता है कि हम लोग लगभग सारे ही ट्रैप्स को निकाल चुके हैं सर, और हमने लगभग सारे ही विक्टिम्स को निकाल भी लिया है, लेकिन एक चीज है जो मुझे परेशान कर रही है, हम लोग कैप्टन यूरा को नहीं बचा पाए, उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन ये कंफर्म है कि वो वहाँ पे गए थे। फिर बाकी कहता है कि हो सकता है वो एनिमी के पीछे गए हों। अगले सीन में हम लोग फिर से होकागे ऑफिस में होते हैं जहाँ पे शिजुने लेडी होकागे के ऑफिस में आ जाती है और पूछती है आपने मुझे बुलाया? तो उनाडे कहती है कि हाँ, हमें जल्दी से सैंड विलेज में एक बैकअप को भेजना पड़ेगा। फिर वो लोग एक टीम जो अभी वापस आई है मिशन से उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग फिर से अकात्सुकी की मीटिंग में आ जाते हैं जहाँ से वो अजीब सा इंसान कह रहा होता है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन और 3 रात हैं। फिर किसामे कहता है कि सिर्फ 3 दिन, क्या हम लोग ज्यादा दिन नहीं ले सकते, क्योंकि
अभी हमारे पास ओरोचिमारु भी नहीं है। तो वो व्यक्ति कहता है कि ये तो और भी इम्पोर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हमें और अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। फिर वो सब मिलकर के कोई जुत्सु कास्ट करते हैं और पत्थरों के नीचे ग्रीन लाइट आ जाती है और फिर हम लोग देखते हैं कि गेदो स्टैचू के मुंह से कुछ ड्रैगन जैसी चीज चक्रा से बनी टाइप की निकल रही होती है और वो चीज गारा पे अटैक करती है। फिर लेडी सुनाडे उस टीम के पास जाती है जो मिशन से वापस आई है और वो जब गेट खोलती है तो उन्हें दिखता है कि वो तो कोनोहामरू की टीम है। और जब कोनोहामरू सुनता है कि वो एक एस रैंक मिशन है तो वो बहुत खुश हो जाता है। फिर लेडी सुनाडे कहती है कि मैं गलती से गलत रूम में आ गई। फिर लेडी सुनाडे जाकर के माइट गाई और उनकी टीम से कहती है कि हम लोग तुम्हें काकाशी की टीम वाला सेम मिशन दे रहे हैं, तुम जाकर के सैंड विलेज में उनकी मदद करो। फिर माइट गाई कहते हैं कि हम लोग सैंड विलेज एक दिन में ही पहुंच जाएंगे और ब्रोकली कहता है सर हम लोग तो आधे दिन में पहुंच जाएंगे। तो नेजी कहता है कि चाहे तुम लोग जो भी बोलो वहाँ पहुँचने में 3 दिन तो लगेंगे ही। फिर माइट गाय कहते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा जब तक हम लोग ट्राई नहीं करते। फिर वो कहते हैं कि हम लोग स्पीड ऑफ यूथ की मदद से जल्दी से पहुँचते हैं। फिर नेजी कहता है कि हम लोगों ने नारुतो को काफी समय से नहीं देखा, पता नहीं वो कैसा होगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि टीम काकाशी सैंड विलेज के पास एक केव में बैठे हैं। नारुतो कहता है अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। काकाशी सेंसेई कहते हैं कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ नारुतो। साकुरा कहती है कि तुम थोड़ा इंतजार करो नारुतो। फिर टेमारी कहती है कि ऐसा सैंडस्टॉर्म ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कांकुरो बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है। फिर वो लोग कहते हैं कि अब तो हमारे पास लीफ विलेज की टीम के आने तक का ही इंतजार करने के अलावा कोई चांस नहीं है। फिर लेडी चियो कहती है कि अब तो सब कुछ उनके ही हाथ में है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक दिन लीफ विलेज के ऊपर सारा भरोसा रखना पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि टीम काकाशी वहाँ सैंड विलेज में पहुंच जाती है। फिर वो लोग जल्दी से कांकुरो के पास जा रहे होते हैं। फिर जब वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं कांकुरो के पास तो लेडी चियो काकाशी सेंसेई को देख करके उनकी तरफ दौड़ते हुए आती है अटैक करने के लिए। और इसी सीन पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।